दुनिया ने जब जब तबाही का मंजर देखा तब तब भारत दृढ़ता के साथ खड़ा रहा। भारत कभी भी किसी देश या विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मदद करने से पीछे नहीं रहा। भारत की संस्कृति और सभ्यता ही ऐसी है जो मानवता के नक्शे कदम पर चलती है। इसी कड़ी में अफ्रीकी देश सूडान में चल रहे गृह युद्ध के दौरान वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना और नौसेना संयुक्त रूप से ऑपरेशन चला रही है। इस ऑपरेशन के तहत अब तक सैकड़ों भारतीयों को सूडान से सुरक्षित निकाला जा चुका है। ऐसा पहली बार नहीं है जब वायुसेना ने विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने की मदद की हो। इससे पहले भी वायुसेना ने विदेश में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कई सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं भारतीय वायुसेना के उन सफल ऑपरेशंस के बारे में जो आपके लिए जानना जरूरी है। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच युद्ध जारी है जिसके चलते वहां हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। भारतीय वायुसेना और नौसेना मिलकर सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी के तहत अभियान चला रही हैं और अब तक सैकड़ों नागरिकों को सूडान से निकाला जा चुका है। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भयावह भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। इसके चलते लाखों लोग बेघर हुए थे। इस संकट के समय में तुर्की और सीरिया में भारत ने मदद पहुंचाई थी और एयरफोर्स ने तुर्की सीरिया में भारी मात्रा में राहत सामग्री भेजी थी। दोनों देशों में पीड़ितों की मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वर्ष 2022 में ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। इस दौरान सफल ऑपरेशन के माध्यम से हजारों भारतीयों को यूक्रेन से सकुशल निकाला था। साथ ही यूक्रेन को मानवीय सहायता भी पहुंचाई गई थी। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। इस अभियान के तहत अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय लोगों को देश वापस लाया गया था। बता दें कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। भारतीय वायुसेना ने 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मैत्री अभियान शुरू किया था। भारतीय सेना ने मैत्री अभियान के तहत हजारों भारतीयों को नेपाल से निकाला था। वर्ष 2015 में यमन में गृह युद्ध के दौरान वहां हजारों भारतीय फंस गए थे। इस दौरान सऊदी अरब ने नो फ्लाई जोन की घोषणा कर दी थी जिसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन राहत चलाया था। भारतीय वायुसेना ने इस अभियान के जरिए हजारों भारतीयों को सुरक्षित निकाला था। तो वहीं इराक की बात करें तो इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने वर्ष 1990 में कुवैत पर हमला कर दिया था। इसके बाद कुवैत में लाखों भारतीय फंस गए थे। उस समय भारत सरकार ने कुवैत में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कुवैत चलाया था और 1,70,000 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया था।